हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबलेट में। आज ही हमारी वीडियो होने वाली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बात करें तो इसमें काफ़ी सारे जॉब रहने वाले हैं 2024 में। सबसे पहले बात करें तो इसमें ऑनलाइन इसमें अपलीकेशन रहेंगे। इसमें गवर्नमेंट इंडिया रेजिडेंट स्कीम्स इसमें निकाली गई है सीनियर रेजिडेंट्स के लिए। टेन्योर पीरियड इसमें 1 ईयर का रहेगा, एक्सटेंडेबल अप टू यहाँ पर 3 ईयर्स का, यहाँ पर एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर का यहाँ पर रहेगा। डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग रहेंगे, पोस्ट होगी अलग अलग, इसमें वैकेंसी रहेगी अलग अलग, इसमें क्वालिफिकेशन का प्रोसेस भी इसमें दिया गया है। पूरी डिटेल में बात करेंगे, लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब अपडेट बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो होगा एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर की बात करें तो इसमें 6 वैकेंसीज होंगी। इसमें यहाँ पर स्टेट जो होगी करंट बैकलॉग और टोटल इसमें वैकेंसी जो होंगी 6 रखी गई हैं। कैटेगरी हिसाब से भी यहाँ पर डिवाइड करी गई हैं। यहाँ पर आप प्रोसेस इसका देख सकते हो किस तरह से इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड करी गई हैं। एंडोनॉमी की बात करें इसमें 1 वैकेंसी होगी, बायोकेमिस्ट्री की 3 रहेंगी, कम्युनिटी मेडिकल एंड फैमिली मेडिसिन की यहाँ पर 1 वैकेंसी होगी, यहाँ पर डेंटिस्ट्री ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफलकियल ऑर्थोपेडिक्स की यहाँ पर इसमें वैकेंसीज रहेगी, माइक्रोबोलॉजी की 3 रहेंगी, न्यूक्लियर मेडिसिन की 3 वैकेंसीज होंगी। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारे इसमें डिपार्टमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज रहेंगी, टोटल 27 इसमें रहेंगे। इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी सारा इसमें प्रोसेस में रहेगा। नीचे बात करें तो इसमें ऑनलाइन इसी आप एप्लीकेशन रहेगी, यहाँ पर 31 जनवरी 2024 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शाम के 5 बजे तक इसका टाइम रहेगा 31 जनवरी का। और कैंडिडेट शुड बी नॉट सेंड बी कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डॉक्यूमेंट देयर ऑफ यहाँ पर रहेगा। इस टाइम भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर सबकी अलग अलग रहेगी। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपने MD अगर DNB अगर अनिस्थोस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उसके पोस्ट के हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। एनाटोमी के लिए आप अप्लाई कर रहे थे आपके पास डिग्री नहीं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास MD MSc अगर आपने करी होगी तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने MSc इन ह्यूमन एनाटोमी करी होगी तो अगर PhD डिग्री आपने करी होगी तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का भी यहाँ सेम प्रोसेस रहेगा, आप इसमें रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरी क्वालिफिकेशन का प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं। नीचे बात करें तो सारा प्रोसेस इसी तरह से रहेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो आप इसमें अपर एज लिमिट जो इसमें रखी गई है 45 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट वाला रहेंगे तो उसके लिए आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन भी यहाँ पर रहेगा। और ये एप्लीकेशन चार्जेस की ऊपर बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस रहने वाला है। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए प्लस यहाँ पर EWS की वालों के लिए भी यहाँ पर 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्जेस रखा गया है। ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1800 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज रहेगा। पे स्केल जो होगा यहाँ पर पे स्केल और सीनियर रेजिडेंट मेडिकल के लिए बात करें तो 18750 से लेके 6660 ग्रेड पे भी यहाँ पर इसके रहेगा। टोटल एंट्री पे जो होगी इसमें 67700 के ऊपर रहेगी मंथली। और यहाँ पर नीचे बात करें तो और भी इसमें डिटेल्स काफ़ी सारी इस नोटिफिकेशन रहेगी, आप इस नोटिफिकेशन का यहाँ पर रीड कर लें। इसका लिंक शायद मैं नोटिफिकेशन के नीचे नहीं दे पाऊँगा, शायद इसमें बाकी वीडियो का काफ़ी सारा मैंने नोटिफिकेशन जो भी रहती है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इसका लिंक थोड़ा आप इसमें ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, www.aims.jodhpur.edu.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। आप इसमें पूरी डिटेल इसमें ले सकते हैं। 31 जनवरी से पहले आप इसमें जरूर अप्लाई करें। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो ये जोधपुर के लिए इसमें वैकेंसीज रहेगी काफ़ी सारी। ये थी हमारी मेन अपडेट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब अपडेट बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।